हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैगी समोसा। और इसको बनाने के लिए मैं आपको टिप्स, ट्रिक और सीक्रेट शेयर करती जाऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैगी समोसा बनाने के लिए। हम लोग लेंगे प्याज, टमाटर, मैगी मसाला और अजवाइन, मिर्चा, मैगी स्वाद अनुसार, नमक, घी, एक पाव मैदा। तो सबसे पहले हम लोग मैगी बनाएंगे। मैगी बनाने के लिए एक बर्तन में हम लोग पानी ऐड करेंगे और मैगी को हम लोग बॉयल कर लेंगे। हमारी मैगी बॉयल हो चुकी है, अब इसको अलग बर्तन में इसका पानी छान कर निकाल लेंगे। और फटाफट हम सब सब्जियों को कट कर लेंगे। टू टेबल स्पून ऑयल लेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें प्याज डालेंगे, मिर्चा डालेंगे, उसको फ्राई करने के बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर हल्का गल जाए उसमें नमक ऐड स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और मैगी मसाला और मैगी को डालकर 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए हमारी मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम मैदा लेंगे, मैदे में अजवाइन डालेंगे 1 छोटा चम्मच और स्वाद अनुसार नमक, और मैंने रिफाइंड तेल लिया था, उसको अच्छे से गूंध लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको गूंधना है पूरे आटे को। मीडियम साइज़ की लोई लेंगे। लोई को हाथों से ऐसे गोल करना है। गोल करने के बाद आटा लगाकर इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं इसको बीच में से ऐसे कट कर दूंगी और हाथ में लेके इसकी साइड में पानी लगाना है उंगलियों से हल्का। फिर इसको ऐसे फोल्ड करके कोन के आकार का बनाना है। अब हम इसमें मैगी भरेंगे। मैगी भरने के बाद इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे। पानी लगा के एक हल्की सी छोटी सी प्लेट देना है। प्लेट देने के बाद इसको पूरा अच्छे से बंद कर देना है। ये देखिए हमारे चारों तरफ से समोसा बंद हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे समोसे को भी बनाएंगे। तो ये देखिए मेरे सारे समोसे रेडी हो चुके हैं। एक कढ़ाई में हम लोग ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम करेंगे, मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। जैसे ही तेल गरम हो जाए उसको लो कर देंगे। करीबन 5 से 6 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा कलर आ रहा है। याद रखिएगा हमको समोसे हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, क्योंकि समोसे कच्चे रह जाएंगे। एकदम ही लो फ्लेम पर हमको समोसे फ्राई करना है। ये देखिए मेरे समोसे रेडी हो चुके हैं। इसी तरह सब समोसे को हम फ्राई कर लेंगे।
तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको बाजार जैसा समोसा खाने का मन कर रहा है तो घर पर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको बना सकते हैं। आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।